अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नायला और आप देख रहे हैं नायला का किचन। मेरे प्यारी सी फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम लेकर आए हैं लंच बॉक्स के आइडियाज़ बच्चों के लिए। स्कूल में यही माओ को टेंशन होती है कि लंच बॉक्स में क्या दें। मैं बहुत ही इजी वे में लेकर आ रही हूँ, बहुत ही इजी आइडिया जो बहुत ही लो बजट। पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं चना चाट। बच्चों को ना चाट बहुत पसंद है। आप चाहें ना ये लंच में दे सकते हैं। आप लोग वेजिटेबल्स मत डालिएगा। और मैंने इसमें चने लिए काले, बॉईल कर लिया था। ये आप रात को करके रख सकते हैं, चने भी और आलू भी। और अगर आप चाहें तो सब्जी ऐड कर दें और फिर इस तरह आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में डाल दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस ना डालें और बस नमक और काली मिर्च डाल के बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जो दूसरी रेसिपी है वो है बंद कबाब। मतलब बच्चे ये भी बहुत शौक से खाते हैं। अक्सर हफ्ते में एक दफ़ा बच्चों को ये दे दे, शामी बना के पहले से रख ले। शामी की फुल रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। बस मैंने ये ना बन बहुत सस्ते हैं, ये 10 रुपीस का आता है। हालांकि जो आप महंगे लेते हैं टेस्ट दोनों का सेम ही होता है। बस वो है उसकी कटिंग की होती है, इसकी कटिंग हम खुद करनी पड़ती है। बस ये बच्चों को लेकर आप मंगा लें बाज़ार से। और ये ना अगर हफ्ते में एक दफ़ा बच्चों को दे दे शामी और अंडे के साथ। मैंने इस पर कैचअप नहीं लगाई, आप चाहें तो कैचअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चे कैचअप नहीं खाते। कुछ स्वीट सी रेसिपी है, मीठी है, मीठे बॉल्स हैं। इसे आप उसके तिल के लड्डू भी कह सकते हैं और सूजी के लड्डू भी कह सकते हैं। ये भी आप बना के ना, इसकी फूड रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की है। ये भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसलिए मैंने मैदे के बनाए। आप चाहे तो मैदे की जगह चावलों का आटा यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चावलों का आटा ले लेना, उसको आपने पकाना है जिस तरीके से आपको मैंने वीडियो में बताया है। बस इस तरीके से ये बॉल बन जाएंगे, फिर आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में दे दें। ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। यही थी मेरी आज की वीडियो।